कल तक हमने डिस्कस किया है कि वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या था। कल हमने डिस्कस किया था वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला। आज डिस्कस कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के प्रीकॉशंस। जो प्रीकॉशन नंबर वन है वो है ओनली फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी कंसीडर्ड। कि जो भी हमें वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालना है वो निकालना है केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू, केवल हमें फाइनल गुड्स जो प्रिपेयर हो चुके हैं, जो फाइनल आउटपुट एक प्रोड्यूसर का निकल के आया है उस आउटपुट की वैल्यू कंसीडर करनी है। केवल एक प्रोड्यूसर के पास तीन टाइप की इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड। प्रोड्यूसर के पास तीन टाइप के इन्वेंट्री है, नंबर वन इज रॉ मटेरियल, नंबर टू इज WIP एंड नंबर थर्ड इज फिनिश गुड। हमें केवल चाहिए फिनिश्ड गुड वाले की मार्केट वैल्यू, मुझे केवल फिनिश्ड गुड वाले की मार्केट वैल्यू चाहिए। मुझे रॉ मटेरियल से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे मतलब है WIP से, मुझे केवल चाहिए फिनिश्ड गुड वाला। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल बी एलिमिनेटेड। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो भी हमने फाइनल आउटपुट बना के तैयार किया है उस फाइनल आउटपुट के लिए जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था पिछले प्रोड्यूसर से, जो भी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था पिछले प्रोड्यूसर से उसकी वैल्यू हम कर देंगे माइनस। पहला प्रिकॉशन है केवल फाइनल वैल्यू या फिर फाइनल आउटपुट की वैल्यू कंसीडर करनी है और उसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब पिछले प्रोड्यूसर ने हमें कितने रुपए में वह माल बेचा था एज अ रॉ मटेरियल, पिछले प्रोड्यूसर से हमने वह रॉ मटेरियल के रूप में कितने का माल खरीदा है उसकी वैल्यू हम कर देंगे माइनस, प्रिकॉशन नंबर वन। प्रीकॉशन नंबर टू, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी कंसीडर्ड। जो भी गुड्स, जितने भी गुड्स हैं, मैं बात कर रहा हूं अभी केवल गुड्स की, जितने भी विजिबल आइटम्स हैं मैं अभी केवल उनकी बात कर रहा हूं, ऐसे विजिबल आइटम जो एक प्रोड्यूसर सेल्फ कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक फार्मर है, किसान है, जिसके खेत में गेहूं होता है, जिसके खेत में गेहूं उगता है, वीट उगता है, उसने वीट ग्रो किया और वो वीट खुद की फैमिली के लिए यूज में ले लिया, खुद कंज्यूम करने के लिए उसने वीट थोड़ा सा ले लिया, तो उस वीट की एक स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है तो वो कंसीडर की जाएगी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर। केवल बात कर रहे हैं गुड्स की, ना कि सर्विसेज की, केवल फाइनल गुड को कंसीडर करेंगे यदि वो सेल्फ कंजम्पशन में लिया है तो, बिकॉज इट हैज स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू। क्योंकि यदि सेल्फ कंज्यूम वाला भी गुड, यदि सेल्फ कंज्यूम वाला गुड मैंने खुद के पर्पस के लिए कंज्यूम किया है या फिर जो फाइनल गुड प्रोड्यूस हुआ है मैंने वो खुद कंज्यूम किया है, उस गुड की एक स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है। एक बिस्किट का पैकेट, एक प्रोड्यूसर ने 100 बिस्किट के पैकेट बनाए, 10 अपने लिए निकाल लिए, उसमें से 90 मार्केट में सेल कर दिए, तो उस 10 बिस्किट के पैकेट की भी स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है। कितनी? जितनी उसने 90 पैकेट जिस हिसाब से बेचे हैं, सपोज 5 रुपए, एक पैकेट की वैल्यू 5 रुपए है, उसने 90 पैकेट बाजार में बेच दिए और 10 पैकेट खुद के सेल्फ कंजम्पशन पर्पस से ले लिए, निकाल लिए, तो इस 10 पैकेट की भी 5 रुपए के हिसाब से स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है 50। तो ये हम कंसिडर करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर। केवल बात कर रहा हूं मैं गुड्स की, और जो गुड्स सेल्फ कंजम्पशन वाले हैं वो, ऐसे गुड्स जो मार्केट में बिक रहे हैं या ऐसी सर्विसेज जो मार्केट में रेंडर की जा रही हैं वो सभी तो लेंगे, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन वाले केवल गुड्स की बात चल रही है अभी। पॉइंट नंबर थर्ड, जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स हैं जो सेकेंड टाइम परचेज, सेकेंड टाइम सेल्स हो रहे हैं मार्केट के अंदर, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वापस इससे डबल काउंटिंग का इम्पैक्ट आएगा नेशनल इनकम पर, इसीलिए उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। जितना भी कमीशन कमाया जाएगा सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पे, जितना भी कमीशन खर्च होगा वो कमीशन इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम निकालते समय में। केवल जो वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज, जिस वैल्यू पर वो गुड्स मार्केट में बिके हैं, यदि सेकेंड हैंड गुड्स हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। यदि कमीशन पेड किया जाता है तो कमीशन तो हर बार फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराने की वजह से पेड होगा, हर बार एजेंट अपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे तो कमीशन हर बार इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड हैंड गुड्स की मार्केट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि जब वो पहली बार मार्केट में बिके होंगे
तो पहली बार में ही मैंने वैल्यू कंसीडर कर ली होगी एज अ वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट। नंबर नेक्स्ट, फाइनल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इटसेल्फ विल बी कंसीडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। मारुति सुजुकी कंपनी के ओनर, इन्होंने जितनी भी गाड़ियां बनाई पूरे साल में, मारुति सुजुकी कंपनी के ओनर है, इन्होंने जितनी भी गाड़ियां बनाई उन्होंने उसमें से कुछ कार्स अपने एम्प्लॉयज के यूज में ले ली। उन्होंने कुछ कार मार्केट में नहीं बेची हैं, वो कार अपने एम्प्लॉयज को उनके यूज के लिए दे दी हैं। तो इसका मतलब उसे भी कंसीडर करेंगे वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर। जितने भी गुड्स रहेंगे जो प्रोड्यूसर अपने या फिर अपने एम्प्लॉयज के पर्पज के लिए यूज करता है, उन्हें मार्केट में सेल नहीं करता है, अपने या फिर अपने एम्प्लॉयज के पर्पज के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो सारी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर आएगा। नंबर नेक्स्ट, इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस विल बी कंसीडर्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, जितने भी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस हैं या फिर जितने भी हाउस प्रॉपर्टी हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो ओनर ने अपने बिजनेस में इस्तेमाल किए हैं, उन हाउस प्रॉपर्टी के लिए रेंट स्पेसिफिक है, उनके लिए बाजार में स्पेसिफिक रेंट तय किया गया है। मैंने यदि आज कोई बिजनेस ओपन किया है, मैंने उस बिजनेस के लिए जो भी प्रॉपर्टी मैंने बाहर से किसी व्यक्ति से किराए पर नहीं ली है, मेरे पास खुद की फैक्ट्री थी, मैंने वो एम्प्लॉय कर दी बिजनेस में, तो उस फैक्ट्री को यदि मैं अपने बिजनेस में एम्प्लॉय नहीं करके किसी दूसरे को देता तो वहां से रेंट जनरेट होता, उसे बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट। तो उस प्रॉपर्टी का एक मार्केट रेंट फिक्स है, तो उस मार्केट रेंट को कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी सेल्फ सर्विसेज रहेंगी, सेल्फ सर्विसेज की कोई भी मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है, यह हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं। जितनी भी सर्विसेज हम सेल्फ अपने आप को सर्विसेज देते हैं, उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है, तो उन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू फिक्स नहीं है, कंसीडर नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालने के लिए। मैंने चार एलिमेंट डिस्कस किए, अगर बात करें तो पहला जो मेरा पहला एलिमेंट है वो था ऐसे गुड्स जो मार्केट में बिक गए, दूसरा एलिमेंट ऐसी सर्विसेज जो मार्केट में प्रोवाइड कराई हैं। तो ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज जो स्पेसिफिक मार्केट में प्रोवाइड करा रहे हैं तो इनकी एक मार्केट वैल्यू है, ये कंसीडर होंगी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर। पहला था फाइनल आउटपुट एज गुड जो हमने मार्केट में बेचा है, सेल किया है मार्केट के अंदर, और दूसरी सर्विसेज की हमने रेंडर्ड सर्विसेज इन दी मार्केट। इन दोनों को तो कंसीडर किया जाएगा वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर, लेकिन जितने भी सेल्फ कंजम्पशंस के गुड़े और सेल्फ सर्विसेज सेल्फ कंजम्पशन के गुड्स, इनकी भी एक फिक्स्ड मार्केट वैल्यू है, स्पेसिफिक मार्केट वैल्यू है, तो ये भी कंसीडर की जाएगी वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट के अंदर। लेकिन जितनी भी सेल्फ सर्विसेज हैं इनकी मार्केट वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि सपोज कोई बड़ा फिल्म स्टार है, ये अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, तो इस कुकिंग की मार्केट प्राइस कितनी होगी, या जो सर्विसेज अपने घर में प्रोवाइड करा रहे हैं इन सर्विसेज की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, ये निकालना मुश्किल है, क्योंकि सर्विसेज की मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर पर्सन पे, क्यों पर्टिकुलर पर्सन है कौन। इसीलिए केवल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट निकालने के लिए फाइनल गुड्स की वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो मार्केट में बेचे हैं, फाइनल सर्विसेज की वैल्यू इंक्लूड करेंगे जो रेंडर्ड किए हैं, और जितने भी गुड्स सेल्फ कंज्यूम में इस्तेमाल में लिए गए हैं उन्हें कंसीडर किया जाएगा। जब आती प्रिकॉशन की,
अब बात करें क्वेश्चंस की। अब जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कैलकुलेट वैल्यू एडेड ऑफ टू फर्म्स, हमें दो फर्म की वैल्यू एडेड निकालनी है। ऑल्सो कैलकुलेट जीवीएफसी, और हमें जीवीएफसी भी निकालना है। जीवीएफसी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, हमें निकालना है जीवीएफसी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। पहला आइटम है सेल बाई फर्म ए, हमें दो फर्म का इस बार डेटा गिवन है, फर्म ए एंड फर्म बी, हमें दोनों फर्म का अलग अलग करके जीवीएफसी निकालना है, दोनों का अलग अलग जीवीएफसी निकालना है, और फिर दोनों का जीवीएफसी निकाल देना है कंबाइंड। या फिर मैं कह सकता हूं मुझे फर्म ए का सबसे पहले मैं निकालूंगा जीवीएमपी, फर्म बी का निकालूंगा जीवीएमपी, और फिर इन दोनों जीवीएमपी को कंबाइंड कर दूंगा, तो मेरा कलेक्टिव जीवीएमपी आ जाएगा दोनों फर्म का। मुझे फाइनल निकालना है जीवीएफसी, तो इस एमपी में से माइनस कर दूंगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो मेरा आ जाएगा फाइनल जीवीएफसी। जो जो आइटम दे रखे हैं, पहला आइटम है सेल्स बाय फर्म ए कि फर्म ए ने माल बेचा है, इसके बाद दूसरा आइटम है परचेज ऑफ फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, फर्म ए ने माल परचेज किया है फर्म बी से, इसका मतलब ये आइटम है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया है फर्म बी से, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। फर्म बी ने फर्म ए से माल परचेज किया है, फर्म बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म बी ने माल बेचा है, क्लोजिंग स्टॉक है फर्म ए का, ओपनिंग स्टॉक है फर्म ए का, ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का है, क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी का है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों फर्म का है। पहले मैं इस मेथड का फॉर्मूला लिखूंगा कि मेरा आउटपुट मेथड का, आउटपुट मेथड से जो भी मैं एग्रीगेट काउंट करता हूँ जीवीएमपी, पहले उसका फॉर्मूला लिखूंगा, फिर पहले फर्म ए का निकाला जाएगा जीवीएमपी, फिर फर्म बी का जीवीएमपी निकाला जाएगा, और फिर दोनों का कंबाइंड जीवीएमपी में से माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ताकि जो मेरा फाइनल आंसर है जीवीएफसी वो निकल सके। देखें अभी एक बार, सबसे पहले मैं जीवीएमपी ऑफ फर्म ए, फर्म ए का जीवीएमपी निकाल रहा हूँ। जो मेरा फॉर्मूला था, फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये मेरा फॉर्मूला है। या फिर मैं कह सकता हूँ फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैं पहले निकालने वाला हूँ फर्म ए का, सबसे पहले निकाल रहा हूँ फर्म ए का, फर्म ए, फर्म ए ने जो सेल्स की है वो है फर्म ए की 100 लाख, प्लस चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मुझे गिवन है 30, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 15, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब फर्म ए ने रॉ मटेरियल कितने अमाउंट का परचेज किया है, फर्म ए ने रॉ मटेरियल कितने अमाउंट का परचेज किया है, वो फर्म ए ने किया है फर्म बी से, वो फर्म ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया है फर्म बी से, जो कि दे रखा है पॉइंट नंबर सेकंड में 40 का। सेल्स 100, चेंज इन स्टॉक 15, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 40, तो ये आ गया 115 माइनस 40, फाइनल आंसर आ गया मेरा 75। जीवीएमपी फर्म ए का आ चुका है 75। अब बात करें दूसरे का, जीवीएमपी ऑफ फर्म बी, फर्म बी का जीवीएमपी, फॉर्मूला वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट या फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म बी की सेल्स 200 लाख, चेंज इन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक फर्म बी का है
40, क्लोजिंग स्टॉक 50, तो क्लोजिंग में से माइनस करेंगे ओपनिंग, और लेस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फर्म बी ने, फर्म ए से माल खरीदा है 60 का, तो 200 प्लस 10 माइनस 60, ये आ गया 150। कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि फर्म ए ने जो फर्म बी को माल बेचा है, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज बात करूं, फर्म बी ने जो फर्म ए से माल खरीदा है जो कि आ रही है 60, तो ये भी फर्म ए की सेल हो गई। जो फर्म बी ने फर्म ए से माल खरीदा है 60 लाख का, फर्म बी खरीद रही है, तो इसका मतलब फर्म ए बेच रही है, तो कहीं ना कहीं इस 60 को भी फर्म ए की सेल्स में शामिल करो। जो ए की सेल्स दे रखी है 100 लाख, उसमें ये 60 ऑलरेडी ही शामिल है, 60 ऑलरेडी इंक्लूड है, इसलिए वापस इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगर केवल ये लिखा होता सेल्स बाय फर्म में इनटू द आउटसाइड मार्केट, तब हम कंसीडर कर लेते 60 अलग से उसमें। तो मेरा जीवीए एमपी फर्म बी का आ गया 150, और जो जीवीए एमपी फर्म ए का आया 75। मुझे निकालना है जीवीएफसी, तो जीवीएफसी इज इक्वल्स टू जीवीए एमपी ए और बी का, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्म ए का जीवीएमपी 75, फर्म बी का जीवीएमपी 150, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें दोनों फर्म का कंबाइन दे रखा है 25, माइनस 25, सब्सिडी नहीं दे रखी है। अगर सब्सिडी दे रखी होती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते, सब्सिडी प्लस कर देते, तो ये आ गया मेरा आंसर 200। जीवीएमपी आ गया 200।